नमस्कार, मैं नेहा। आप देख रहे हैं पोल खोल पोस्ट। कोरोना के संक्रमण से बचने के लिए देश के कई शहरों की मस्जिदों मंदिरों में तैयारियां पूरी हो गई है। सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो करने के लिए जगह जगह निशान बनाए गए हैं। दिल्ली की चांदनी चौक की पुरानी गली की पश्चिम छोर पर स्थित फतेहपुर मस्जिद लोगों की इबादत के लिए खुल गई है। प्रबंधकों ने कहा कि हम लोगों से अपील कर रहे हैं कि घर में ही इबादत करें, मस्जिद में कम से कम लोग इबादत के लिए आएँ। मौसम विभाग ने चेतावनी दी कि बंगाल की खाड़ी में कम दबाव का क्षेत्र बन रहा है, जिससे उड़ीसा में भारी बारिश होने का अनुमान लगाया गया है। मौसम विभाग के अनुसार अगले 3 दिन में भारी से बहुत भारी स्तर की बारिश होने का अनुमान है। मौसम विभाग का कहना है कि कम दबाव क्षेत्र बनने के कारण अगले 24 घंटे में यहाँ तेज हवाएं चल सकती है। तमिलनाडु में बीते 8 दिनों में कोरोना वायरस संक्रमण के 8,000 से ज्यादा मामले सामने आने के बाद रविवार को कोविड-19 का आंकड़ा 31,000 के पार पहुंच गया। राज्य में महामारी अब तक 269 लोग की जान भी जा चुकी है। स्वास्थ्य विभाग के एक बुलेटिन के मुताबिक प्रदेश में कोरोना वायरस संक्रमण के कारण रविवार को 20 वर्षीय एक लड़की समेत 18 और लोगों की मौत हो गई है। वहीं एक दिन में संक्रमण के सबसे ज्यादा 1,515 नए मामले सामने आए हैं, जिनसे कुल संक्रमितों की संख्या बढ़कर 31,667 पहुंच गई है। अमेरिका कोरोना वायरस से सबसे ज्यादा प्रभावित मुल्कों में से एक है। पूरी दुनिया के करीब 1/3 कोरोना मरीज अमेरिका में ही हैं। यहां महामारी लगातार भयावह रूप लेती जा रही। रविवार को 18,905 नए मामले सामने आए हैं और 373 लोगों की मौत हो गई है। वहीं कुल 20 लाख से ज्यादा कोरोना संक्रमित हो चुके हैं। कोरोना वायरस से संक्रमित हुए लोगों की वैश्विक आंकड़ा बढ़कर 70 लाख पर पहुंच गया है। वहीं महामारी की चपेट में आकर मरने वालों की संख्या 4 लाख से ज्यादा हो गई है। वर्ल्डोमीटर के मुताबिक दुनिया के 213 देशों में सोमवार सुबह तक कुल 70,81,000 लोग कोरोना संक्रमण से संक्रमित हुए, जिनमें से मरने वाले की संख्या 4,05,000 रही। हालांकि इस दौरान 34,55,099 लोग ठीक भी हुए हैं। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए सख्त पाबंदियां लगाने से इनकार कर दिया है। इमरान खान ने कहा है कि इस कुलीन विचार से अर्थव्यवस्था का बंटाधार हो जाएगा और गरीबी बढ़ेगी। इस बीच रविवार को पाकिस्तान में कोरोना वायरस संक्रमण के मामले 1 लाख के करीब पहुँच गए। मृतकों की संख्या 2,000 के पार कर गई है। 24 मार्च को लागू किए गए लॉकडाउन के बाद आज से धार्मिक स्थल मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे खोल दिए गए हैं। देश भर में मंदिरों में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ रही है, लेकिन मंदिरों की तस्वीर अब पहले जैसी नहीं दिखेगी। मंदिरों में ना तो अब प्रसाद मिलेगा, ना चढ़ना अमृत और ना ही भक्तों को फूल चढ़ाने की इजाजत होगी। इतना ही नहीं, मंदिरों में मूर्तियों को छूने का भी मनाही है और मंदिर की घंटियों को भी पैक कर दिया गया है। देश में कोरोना वायरस से संक्रमित मरीजों की संख्या तेजी से बढ़ती जा रही है। सोमवार सुबह स्वास्थ्य मंत्रालय के ताजा आंकड़ों के मुताबिक देश में अब तक 2,56,611 लोग कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं। इसमें से 7,135 की मौत हो चुकी है, जबकि 1,24,000 लोग ठीक भी हुए हैं। देश में जानलेवा कोरोना वायरस के प्रकोप के बीच आज से अनलॉक 1 के तहत शॉपिंग मॉल्स और धार्मिक स्थलों के साथ होटल और रेस्टोरेंट भी खोल दिए गए हैं। लेकिन अब आपके होटल और रेस्टोरेंट जाने के लिए लोगों को कुछ नियमों का पालन करना होगा। सरकार ने इसके लिए गाइडलाइन जारी कर दी। केंद्र सरकार ने लॉकडाउन के 4वें चरण को पूरा होने से 1 दिन पहले 30 मई को देश में अनलॉक 1 के दिशा निर्देश जारी किए थे। राज्य सरकारें अभी तक सिर्फ 20.36 लाख प्रवासी श्रमिकों को ही मुफ्त खाद्यान्न की आपूर्ति कर पाई है। हालांकि केंद्र सरकार या राज्य सरकारों ने राशन कार्ड नहीं रखने वाले 8 करोड़ प्रवासी श्रमिकों को मुफ्त अनाज पहुंचाने का लक्ष्य तय किया था। ऐसी ही खबरें देखने के लिए बने रहे पोल खोल पोस्ट के साथ। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी का बटन दबाना न भूलें, जिससे नई अपडेट आपको समय समय पर मिल सके।